जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल में कट कॉपी फॉर्मेट पेंटर और फॉन्ट से रिलेटेड सारा ऑप्शन देखेंगे। आज दो ग्रुप देखेंगे, वो क्लिपबोर्ड और फॉन्ट देखेंगे। तो जैसे शुरू करते हैं कट से, तो कट से यहाँ पे हमको इसको कट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कट कर दिए। देखिए पेस्ट का पहले से हाईलाइट नहीं हो रहा था, तो अब हाईलाइट होने लगा क्योंकि हमने कट कर लिया। जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे इस पे जाकर पेस्ट कर देंगे, या तो कंट्रोल भी करेंगे। कट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी, ये शॉर्टकट की है। अब जैसे कि कॉपी करना, तो कॉपी कट में देखिए कट में क्या हुआ, यहाँ से हमने कट किए तो वे यहाँ पे नहीं है, लेकिन कॉपी पे अगर हम करते हैं इसको, इसे कंट्रोल जेड से अंडू कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको सिलेक्ट किए, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब हम कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करेंगे यहाँ पे रहेगा और दूसरी जगह पे भी पेस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, तो सिंपली कंट्रोल भी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, या तो पेस्ट पे जाके क्लिक करेंगे तो पेस्ट होगा। जैसे देखिए, तो कॉपी में मेरा यहाँ भी डेटा आ गया और यहाँ भी पेस्ट हो गया। तो ये कॉपी का ये काम है। जैसे मान लीजिए अब फॉर्मेट प्रिंटर पे क्या है, जैसे कि हमें इस पे सेलेक्ट की, इसमें कलर डाल देते हैं, जैसे फॉर्मेटिंग की रेड डाल देते हैं, ऐसा हरा वाला देखिए, जैसे एक ही है। अब सारा इस रो में मुझे अप्लाई करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएंगे और सीधे इसे ड्रैग कर देंगे, तो वो फॉन्ट मेरा उस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। अगर फिर वही करना है तो फिर जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पर जाएंगे और सिंपली वहाँ से ड्रैग कर देंगे। जितना ड्रैग करेंगे उतना मेरा उसी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। तो ये तीन ऑप्शन क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं बोल्ड, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद इसको इतना हमको फॉर्मेट रहने देना है। यहाँ पे जाएंगे क्लियर फॉर्मेटिंग में, तो ये सारा एल क्लियर करेंगे तो डेटा भी हट जाएगा। सिर्फ फॉर्मेट क्लियर करना है, तो यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये सारा फॉर्मेट हट गया, यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है वो भी हट गया। तो बॉर्डर लगाने के लिए क्या करेंगे, बॉर्डर लगाने के लिए इसका शॉर्टकट की है Alt+H+B+A। चलते हैं आगे। जैसे कि मुझे अब बोल्ड करना है, तो बोल्ड करना है जैसे सिंपली सिलेक्ट करेंगे, जैसे इसी को बोल्ड करना है जैसे सिलेक्ट कर लेंगे, सॉरी सिलेक्ट करके इसका शॉर्टकट के कंट्रोल भी, या तो फिर यहाँ पे ऑप्शन से जाके क्लिक करेंगे। देखिए बोल्ड हो गया। इटैलिक पे करेंगे तो थोड़ा तिरछा हो जाएगा। अंडरलाइन करेंगे तो इसके अंडरलाइन, इटैलिक अंडरलाइन का शॉर्टकट की है कंट्रोल ई, और इटैलिक के कंट्रोल आई है। ये देखिए ये बॉर्डर है, ये यहाँ पे बॉर्डर है जो अप्लाई हमने किए हैं शॉर्टकट की से। इसका टॉप बॉटम जैसा ये बॉर्डर अप्लाई करना है, जैसे इसको अनबॉर्डर कर देते हैं, सिलेक्ट किए यहाँ से जाके ऑप्शन से अनबॉर्डर नो बॉर्डर कर देंगे, तो ये देखिए नो बॉर्डर हो गया। अब मुझे इस पे बॉर्डर अप्लाई करना है सिंपली, जैसे यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया हुआ है। मान लीजिए मुझे बॉटम में अप्लाई करना है, सिर्फ टॉप बॉर्डर लेना है, लेफ्ट बॉर्डर लेना है, राइट लेना है, इतनो बॉर्डर को एल बॉर्डर पे करेंगे सारा पे, आउट साइड पे करेंगे तो आउट साइड देखिए सिर्फ बाहर बाहर का बॉर्डर अप्लाई हुआ। जो भी अप्लाई यहाँ से आप जो भी अप्लाई करेंगे वो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए टॉप एंड बॉटम में देखिए टॉप एंड बॉर्डर में लगा हुआ रहेगा, सॉरी नहीं ली, ये बॉर्डर अप्लाई नहीं हुआ। यहाँ पे जाके नो फिल कर देंगे तो वो हट जाएगा, हट गया। इस सिलेक्ट करके इसमें
फील कर देंगे, ठीक है। और अब जैसे मान लीजिए इन सभी में किसी का फॉन्ट चेंज करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इस पे इस कर्सर पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट इंक्रीज होगा, और इस पे क्लिक करेंगे तो डिक्रीज होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो और चलिए आगे देखते हैं। आई फॉन्ट तो सारा क्लियर हो गया, फॉर्मेटिंग का है, कलर टेक्स्ट कलर करना, जैसे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो इसके लिए देखिए, जैसे किसी पे भी कर रहे हैं तो वैसा फील वो हो रहा है। तो ये टेक्स्ट कलर है, ये बैकग्राउंड, इसका बॉक्स का कलर, सेल जो सेल कलर करना रहेगा तो इसका यूज करेंगे, जैसे कि इस सेल को रेड करना है, देखिए तो ये होता है सेल सेल कलर, और ये होता है टेक्स्ट कलर। जैसे मान लीजिए कि इसे अब देखिए कि यहाँ पे मेरा जो इंक्रीज किए तो कुमार मेरा कुछ कुछ टेक्स्ट हाइड हो रहा है, इसके लिए क्या करें, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे डबल सेलेक्ट करके, तो मेरा जिस फोन में लगा वो एडजस्ट हो जाएगा। तो चलते हैं, अब देखते हैं। तो दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।